नमस्कार, कार्यक्रम विशेष के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। कहते हैं किसी भी लक्ष्य को भेदने के लिए व्यवस्था जरूरी होती है, यानी ऐसे दिशा निर्देश जो एक सुनिश्चित काम को अंजाम तक ले जाएं। एक औपचारिक व्यवस्था को नीति का जनक कहा जा सकता है। आजादी के बाद देश और समाज के विकास के लिए चुनाव हुए, सरकारें बनी और साथ ही नीतियां और ऐसी पहलों का दौर शुरू हुआ जिनके दूरगामी परिणाम हमारे जनतंत्र पर आज तक पड़ रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी नीतियों और पहलों की और सुधारों की जो शुरुआती दशक से लेकर आज तक सीधे जनमानस से जुड़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 से, जो आजादी के पहले दशक में बना। आजादी के शुरुआती दौर से ही हमारे जनप्रतिनिधि विकास का एक ऐसा मॉडल तैयार करना चाहते थे जो मूलतः जन कल्याण को प्रतिबिंबित करता हो। यह औद्योगिकीकरण का भी शुरुआती दौर था। संसद ने 15 मार्च 1948 को मिनिमम वेजेस एक्ट यानी न्यूनतम वेतन अधिनियम पारित कर आम जनमानस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साफ कर दी और साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को संदेश भी भेजा कि जन कल्याण सरकार का पहला लक्ष्य होना चाहिए और न्यूनतम मजदूरी वो तय करेगी, बाजार नहीं। आपको बता दें कि संविधान में न्यूनतम मजदूरी रखने का लक्ष्य एक कामगार और उसके परिवार को साधारण पर खुशहाल जीवन देना था। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की मूल अवधारणा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और आर्टिकल 43 से ली गई है, जो कहता है कि श्रमिक, किसान और किसी भी कामगार को मजदूरी, काम की सुविधाएं और मौके अता फरमाना सरकार की जिम्मेदारी है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को लागू करने के पीछे कुछ बुनियादी कारण थे, जैसे एक मुक्त प्रतिस्पर्धी बाजार में श्रमिकों की मजदूरी, मजदूरी का स्तर मांग और आपूर्ति की ताकतों द्वारा तय किया जाता है। एक कल्याणकारी राज्य में श्रमिकों के हितों की सुरक्षा कानून के मूल उद्देश्यों में से एक है। भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के संबंध में भी यही सच है। निरक्षर होने के अलावा भारतीय श्रमिक वर्ग एक प्रतिस्पर्धी बाजार में अपने हितों की रक्षा करने के लिए संगठित नहीं है, जहां श्रम की आपूर्ति हमेशा मांग से अधिक होती है। ऐसी शर्तों के तहत श्रमिक वर्ग खुद को कमजोर पाता है और अपने वैध हितों की रक्षा करने में भी असमर्थ होता है। भारत जैसे विकासशील देशों में कुछ उद्योगों में श्रम का शोषण आम है। यहाँ बेरोजगारी के चलते मजदूर बेहद कम पैसों में भी काम करते हैं, इसलिए कुछ नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम सीमा प्रदान करके प्रतिस्पर्धी बाजार में श्रमिकों के कल्याण को सुरक्षित करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया था। इस मजदूरी कानून से कई और कानून भी जुड़े हुए हैं, जैसे 1926 का ट्रेड यूनियन अधिनियम, जो मजदूरी से संबंधित कानून है, 1947 का औद्योगिक विवाद अधिनियम और 1976 का समान पारिश्रमिक अधिनियम, जो महिलाओं के लिए भी समान मजदूरी प्रदान करता है, और लेबर्स विनियमन उन्मूलन अनुबंध अधिनियम 1970। पर शिक्षा और जानकारी के अभाव में मजदूर शायद ही इनका फायदा ले पाते हो। हालत इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, जहां सामूहिक शक्ति के अभाव के चलते मजदूर मोल भाव नहीं कर पाते और कम मजदूरी पर जीने को मजबूर होते हैं। इसका सीधा असर उनके परिवार के भविष्य, रोजगार सृजन और आउटपुट पर पड़ता है। दूसरी ओर छोटे व्यापारियों में भी अक्सर इन कानूनों को लागू करने की क्षमता का अभाव देखा गया है। श्रम विषय कॉन्करेंट लिस्ट में आता है और आज तकरीबन 7 दशक बाद भी इसके दायरे में 20% के आसपास श्रमिक ही आते हैं। जहां इस कानून का दायरा बढ़ाने की सख्त जरूरत है, वहीं इस वक्त देश में 1200 न्यूनतम मजदूरी दरें हैं, जिन्हें सही तरीके से लागू करना भी एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल श्रम कानूनों के सुधार के रूप में सरकार ने 38 श्रम अधिनियमों को तर्कसंगत बनाने की कवायद शुरू की है,
जिसमें मजदूरी पर श्रम संहिता, औद्योगिक संबंधों पर संहिता, सामाजिक सुरक्षा पर कोड और व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य एवं कामकाजी परिस्थितियों पर कोड शामिल है। इन सारे सुधारों को वेज बिल कोड 2017 के अंतर्गत 10 अगस्त 2017 को लोकसभा में पेश किया गया और इसमें 4 मौजूदा कानून शामिल हैं, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी का भुगतान अधिनियम 1936, बोनस अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इस कानून के लागू होने के बाद ये सभी 4 अधिनियम खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही सारे देश में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की अवधारणा भी लाई गई है, जो केंद्र तय करेगा, जिसके तहत देश के किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन देने पर पाबंदी होगी। इसकी शुरुआत हुई गुजरात से, जहां 1965 में कांडला में एशिया का सबसे पहला फ्री ट्रेड जोन बनाया गया। इसके साथ ही सांता क्रूज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी था। उस दौर में ये दो ही आर्थिक क्षेत्र थे भारत में, पर लंबी कानूनी प्रक्रियाएं और लाल फीताशाही के चलते नतीजे आशा के अनुरूप नहीं रहे। वजहें तलाशी गईं और फिर समस्या खत्म करने के लिए कदम भी उठाए गए। इनमें से 1978 से 1984 के बीच कई सलाहकार समितियां भी शामिल थीं। जैसे 1978 में प्रारंभ और विदेशी नीतियों पर अलेक्जेंडर समिति, 1979 में डगली कमिटी ऑन कंट्रोल्स एंड सब्सिडीज, 1980 में टंडन कमिटी ऑन एक्सपोर्ट्स स्ट्रेटजी, 1982 में एफटीजेड और 100% ईओयू पर समिति और 1984 में व्यापार नीति पर आबिद हुसैन समिति। 23 जून 2005 को संसद ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी एसईजेड की स्थापना और विकास के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 बनाया। इसका मकसद अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना, सामान और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, बुनियादी ढांचे का विकास करना। नए अधिनियम में एसईजेड इकाइयों और एसईजेड विकसित करने वालों के लिए कर में छूट दी गई। 2005 का कानून बनने से पहले देश में केंद्र सरकार के साथ और राज्य सरकारों तथा निजी क्षेत्र के 11 एसईजेड थे। अगले एक दशक यानी 2016 तक 405 और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 2016 तक 331 एसईजेड नोटिफाइड थे, जिनमें से 206 कार्य कर रहे थे। आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 30 2016 तक विभिन्न एसईजेड में 4,06,690 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था और लगभग 16.88 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा हुआ था। एसईजेड से होने वाले निर्यात में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। सन 2015 से 16 के बीच ये 2,14,501 करोड़ थी, जबकि 2016-17 में ये 2,37,502 करोड़ थी। 2017 और 18 में ये 2,67,801 करोड़ थी और फिलहाल 2018 और 19 में अब तक ये 1,60,699 करोड़ हो चुकी है। कानूनी तौर पर एसईजेड एक विशेष क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसे डीम्ड फॉरेन टेरिटरी भी कहते हैं। यहाँ निर्यात और आयात में छूट, उत्पादन के लिए विश्व स्तर की सुविधाएं, सस्ते श्रम की उपलब्धता और बाजार तक आसान पहुंच शामिल हैं। आपको बता दें कि एसईजेड एक निजी निवेश बाहुल्य क्षेत्र है। इसकी स्थापना के लिए केंद्र धनराशि के बजाय डेवलपर्स और इकाइयों को रियायतें और शुल्क देता है। फिलहाल जनवरी 2019 तक 421 एसईजेड को औपचारिक अनुमति दी जा चुकी है, जबकि 355 नोटिफाइड किए गए हैं और 231 एसईजेड में कामकाज जारी है। फिलहाल अभी तक एसईजेड क्षेत्र में कुल निवेश 4,92,312 करोड़ का हो चुका है, जबकि 19,96,610 रोजगार सृजित किए जा चुके हैं। 19 जुलाई 1969 को सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया।
आजादी के बाद देश के आर्थिक विकास के लिए कई व्यवस्थित योजनाएं बनाई गईं, जिनके लिए धन की जरूरत थी। संजोग से उस दौर में अधिकांश व्यवसायिक बैंक्स प्राइवेट थे, जो किसी न किसी उद्योग समूह से जुड़े थे। विभिन्न कारणों से इन बैंक्स ने राष्ट्र विकास के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिमों में भाग लेने में असमर्थता दिखाई। सरकार के पास फिर कोई चारा नहीं था, उसने इन निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया। इससे कई फायदे भी होने थे। ये कदम 6 बुनियादी लक्ष्यों को ध्यान में रखकर उठाया गया था, जिसमें पहला था समाज कल्याण, क्योंकि कृषि, कुटीर एवं लघु उद्योग से जुड़े किसानों और कामगारों को आर्थिक संकट से बचने के लिए धन की सख्त आवश्यकता थी। दूसरा, पूंजी को निजी संस्थाओं की जकड़न से मुक्त कराकर उसका सही जगह निवेश करना था। तीसरा, बैंकिंग क्षेत्र का दूर दराज इलाकों में प्रसार करना था। चौथा, शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच आर्थिक असंतुलन मिटाना था। पांचवा, प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं के लिए धन आवंटन करना था। और आखिर में देश की जनता में बैंकिंग सेवाओं की आदत डालना था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कानून 19 जुलाई 1969 से प्रभाव में आया। इन 14 बड़े निजी व्यावसायिक बैंक्स में देश की तकरीबन 70% डिपॉजिट्स मौजूद थीं। ये सारी पूंजी सरकार के हाथों में आ गई। और ये हुआ था बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स ऑर्डिनेंस से। आगे इसी नाम से ये कानून भी बन गया। 1969 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकेला गैर निजी बैंक था, तब इसका नाम इंपीरियल बैंक था। 1955 में इसका भी राष्ट्रीयकरण हो गया। विशेषज्ञ इन बैंक्स के राष्ट्रीयकरण की दो और वजह बताते हैं। पहला, इन बैंक्स के कामकाज करने के तौर तरीकों से जनता में काफी नाराजगी थी। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1947 से लेकर 1955 के बीच देश में सैकड़ों बैंक्स बंद हुए थे और अपने साथ हजारों नागरिकों की गाढ़ी कमाई भी ले डूबे थे। ये बैंक्स अपने ग्राहकों को किसी भी तरह की गारंटी भी नहीं देते थे। दूसरा, अक्सर ये बैंक्स बड़े औद्योगिक घरानों और व्यापारियों से जुड़े देखे जाते थे। कृषि क्षेत्र और किसान को ये नजरअंदाज किया करते थे। 1950 में इन बैंक्स से किसान को सिर्फ 2.3% लोन ही मिला था। आने वाले वर्षों में हालात और बिगड़े। 1967 में ये घटकर मात्र 2.2% ही रह गया था। हमारे देश में शिक्षा और सूचना के अभाव के चलते अक्सर उपभोक्ता चमकीले विज्ञापनों द्वारा भ्रमित हो जाते हैं और नुकसान उठा बैठते हैं। कभी सामान खराब होता, कभी सेवाएं आधी अधूरी होती थीं, तो कभी कंपनियों का फोन ही नहीं उठता था। कुछ वक्त पहले तक तो हेल्पलाइंस तक भी वजूद में नहीं थीं। कुल मिलाकर खरीद के बाद कंपनी का ग्राहक से कोई लेना देना नहीं होता था। बरसों तक शोषण और धोखाधड़ी की शिकायतें बढ़ती रहीं, पर उपभोक्ताओं के पास ऐसा कोई कानून नहीं था जो उन्हें न्याय दिला सके। ग्राहकों का शोषण या धोखाधड़ी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, दुनिया भर में यह समस्या है। आलम यह है कि 1985 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अपने सदस्य देशों को सुझाव दिया कि वो ग्राहकों के कल्याण के लिए जरूरी कदम उठाए, पर विकसित देशों में शिक्षा और जानकारी का स्तर भारत जैसे देशों से ज्यादा है और हमारे देश में ऐसा न होने के चलते ऐसी कानूनी ढाल की जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी, जिससे हमारे और आपके हक सुरक्षित हों, वो हक जिनके तहत एक ग्राहक को सुनवाई का अधिकार हो, अगर उसके साथ धोखा हुआ हो, जिसकी वो शिकायत करना चाहता हो, ऐसे ग्राहक को उचित फोरम दिया जाना चाहिए। सेहत और सुरक्षा का अधिकार, किसी भी ग्राहक को ऐसा सामान नहीं बेचना चाहिए जो उसकी सेहत और सुरक्षा के लिए हानिकारक हो। शोषण के खिलाफ अधिकार, इसके अंतर्गत किसी भी ग्राहक से किसी भी वस्तु या सेवा के लिए अत्यधिक दाम नहीं लिया जाना चाहिए। सूचित करने का अधिकार, इसके तहत ग्राहक को कंपनी द्वारा सामान या सेवा के मुताबिक सही गुणवत्ता और कीमत की सही जानकारी दी जानी चाहिए।
ये जिम्मेदारी खास तौर पर दवा कंपनियों और सप्लायर्स की है। वस्तु या सेवा चुनने का अधिकार। हर ग्राहक के सामने किसी भी वस्तु या सेवाओं के तमाम विकल्प होने चाहिए जिससे वो सही चुनाव कर सके। समस्या निवारण का अधिकार। हर ग्राहक को शिकायत करने और उसके निवारण का अधिकार होना चाहिए जो उसको संतुष्ट कर सके। 1986 में सरकार ग्राहकों के बचाव और धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों को दंडित करने के लिए कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाई। इसके अंतर्गत ग्राहक अपनी शिकायत लेकर कंज्यूमर फोरम या नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रीड्रेसल कमीशन जा सकते हैं। 24 दिसंबर 1986 को पार्लियामेंट ने कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट पास कर दिया। इसका मकसद ग्राहक को उत्पाद और सेवा से जुड़ी गुणवत्ता, शुद्धता, स्तर और कीमत की जानकारी देना था। इस एक्ट के तहत कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनाई गईं। शिकायतों के निवारण के लिए त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया। इसके साथ 629 जिला फोरम और 35 राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बनाए गए। इसके साथ ही दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग भी बनाया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत फाइल किए गए अधिकांश केसेस का निवारण हो चुका है। इस कानून को पैना बनाने के लिए 1991 और 2000 में संशोधन भी किए गए हैं। आपको बता दें कि इस एक्ट के पहले भी कुछ कानून ग्राहक सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, जिनमें प्रमुख थे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1985, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट, ड्रग्स कंट्रोल एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। तत्कालीन सरकार का मंतव्य सुधारों की सुई से लस्त पड़ी अर्थव्यवस्था की तुरपाई करना था। उसे दोबारा अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ना था, मुद्रास्फीति को कम करना था, विदेशी मुद्रा के भंडार भरने के उपाय ढूंढने थे, बेकार के नियंत्रण को खत्म करना था, निजी क्षेत्र के लिए जरूरी सेक्टर्स को खोलना था और एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना था जहां प्रतिस्पर्धा से उत्पादकता, हुनर और दक्षता को बढ़ावा मिले। आज भारत 7.5% की औसत के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। इसका बड़ा श्रेय सरकार की सुधार नीतियों, चुने गए जनप्रतिनिधियों और युवा उद्यमियों की पहलों को दिया जा सकता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। 24 जुलाई 1991 को लागू किए गए आर्थिक सुधारों ने देश की धारा को एक बिल्कुल नई तरफ मोड़ दिया। ये एक नया मैयार था जिसकी बुनियाद में कुछ कड़वी सच्चाइयां छिपी थीं। इस दौर में देश बेहद कठिन आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा के भंडार खाली थे। इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति दोहरे अंकों में पसरी थी। रिजर्व बैंक धन आवंटन करने की स्थिति में नहीं था। उस पर से व्यवस्था पर तंत्र की जकड़ हालात को बदरंग बनाए दे रही थी। मौजूदा सरकार के पास सुधारों का ही रास्ता बचा था और बिगड़ते हालात को उबारने के लिए उसने 5 बुनियादी कदम उठाए थे, जिनमें अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग खत्म कर दी गई, उन सभी परियोजनाओं से स्वीकृति की शर्त खत्म कर दी गई जहां आयातित वस्तुओं के साथ विदेशी इक्विटी शामिल थी। केंद्र सरकार ने 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में उद्योग लगाने के लिए सरकारी स्वीकृति लेने की शर्त भी खत्म कर दी। FDI स्वीकृतियों में लचीलापन और 51% विदेशी इक्विटी की आज्ञा दी गई। चुने उद्योगों को प्राथमिकता वर्ग में डाला गया और एक विशेष अधिकार प्राप्त बोर्ड का गठन किया गया। विदेशी प्रौद्योगिकी समझौतों के तहत उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में स्वीकृति की शर्त खत्म कर दी गई, लेकिन दूसरे सभी प्रस्तावों को अनुमोदन की आवश्यकता वाले वर्ग में रखा गया। सार्वजनिक सेक्टर की कंपनियों के कार्य क्षेत्र की समीक्षा की गई और बीमार कंपनियों को बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन यानी औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में भेजा गया। अन्य क्षेत्रों के लिए भी व्यावसायिक बोर्ड बनाए गए। एक अधिकार प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यापार प्रथाओं को नियंत्रित करने के लिए MRTPC अधिनियम का संशोधन किया गया। रिकॉर्ड्स के लिए आपको बता दें
कि देश की वित्तीय सेहत का पैमाना बताए जाने वाले सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कुछ ऐसा रहा। 1960 के दशक में ये 3.6% था। 1970 के दशक में ये 3.4% था। 1980 से 1990 के बीच ये 5.6% था। 2000 के दशक में ये 8.6% था। 2011 से 2015 तक ये 5.9% था। भारत के ग्रामीण इलाकों में रोजगार मुहैया कराना हमेशा एक चुनौती रही है। 1962 में इस मुताबिक पहली बार सरकारी प्रयास किए गए। इनके अंतर्गत कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए थे। फिर 1977 में सरकार ने फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया, जिसे बाद में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम या NREP के नाम से जाना गया। इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में बफर स्टॉक से बचे अनाज को इस्तेमाल कर अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना था। इस व्यवस्था में काम के बदले अनाज दिया जाता था, पर विडंबना यह रही कि काम तो था पर मजदूरों को देने के लिए अतिरिक्त अनाज नहीं था। पेमेंट्स देर से हुआ करते थे, वितरण केंद्र दूर दराज हुआ करते थे और सस्ते राशन की दुकानों में लगी लाइन कभी खत्म ही नहीं होती थी। नतीजतन ये योजना परवान नहीं चढ़ पाई। फिर 1983 में रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम शुरू हुआ। इस योजना का लक्ष्य गांव में रह रहे ऐसे गरीब परिवारों को रोजी मुहैया कराना था जिनके पास अपनी भूमि नहीं थी। इसके तहत इन परिवारों के कम से कम एक सदस्य को साल में 100 दिन काम देना था। इसके साथ ही पिछड़ी जाति के गरीब किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त कुएं देने की योजना भी शुरू की गई थी। फिर 1989 में जवाहर रोजगार योजना आई, जिसमें NREP और RLEGP का विलय हो गया। आपको बता दें कि उन 3 दशकों में ऐसी और भी कई योजनाएं आईं, जिनका मकसद ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन करना था। फिर 5 सितंबर 2005 को तत्कालीन UPA सरकार नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाई, जिसे महात्मा गांधी मनरेगा के नाम से जाना गया। ये योजना 2 फरवरी 2006 से देश के 200 जिलों में लागू हुई। 1 अप्रैल 2008 में ये सारे देश में लागू कर दी गई। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में 100 दिन के काम की गारंटी थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना थी। इसके प्रसार में तकनीक का भी काफी इस्तेमाल हुआ था। इस योजना के फायदे भी दिखे, पर कमियां भी उजागर हुईं। जैसे इसमें एक बड़ा दोष टिकाऊ संपत्ति निर्माण का अभाव था, यानी एसेट्स क्रिएशन नहीं होते थे। दूसरा, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का ये स्थायी हल नहीं था। तीसरा, मनरेगा के दिशा निर्देशों के अनुसार काम पूरा होने के 14 दिनों के भीतर कार्य का भुगतान किया जाना चाहिए था, पर या तो भुगतान में देरी होती थी या फिर पैसा वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा था। आने वाले वर्षों में नई सरकार ने इन कमियों को गंभीरता से लिया और कई बुनियादी सुधार किए। जैसे इस योजना को एसेट्स क्रिएशन से जोड़ा गया, यानी उन इलाकों में दोहन योग्य सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण हो, इन सभी संपत्ति की जियो टैगिंग की जाए ताकि इनके अस्तित्व पर कोई संदेह न हो। फिलहाल जनवरी 2019 तक जियो मनरेगा को 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में लागू किया जा चुका है। साथ ही काम से जुड़े 4.8 करोड़ स्थानीय लक्ष्यों में से 3.40 करोड़ को पूरा किया जा चुका है। राज्यों के साथ मिलकर ये भी सुनिश्चित किया गया है कि लाभार्थियों को 15 दिन के भीतर भुगतान हो जाए और ये धन सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाए जो आधार से जुड़े हों। और साथ ही काम की समय सीमा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिटर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी ट्रेनिंग देकर इस काम में लगाया गया है। सरकार ने इस योजना का बजट आवंटन भी लगातार बढ़ाया है। 2014-15 में ये 32,977 करोड़ था। 2017-18 में ये बढ़कर 55,167 करोड़ हुआ और 2018-19 में ये 61,644 करोड़ हो गया है। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना की घोषणा की और 28 अगस्त 2014 को एक खास दिन था। इस दिन सिर्फ एक दिन में भारत भर में 1.5 करोड़ जनधन बैंक अकाउंट्स खोले गए थे, जो आज गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का हिस्सा हैं। ये उस सफर की शुरुआत थी जिसका मकसद देश के पिछड़े, गरीबों और अवांछितों का फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन करना था। फिलहाल ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी योजना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना अपने लॉन्च के बाद से
कामयाबी के नित्य नए सोपान छू रही है। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। अगस्त 28, 2014 को इसमें 1.5 बैंक अकाउंट्स खोले गए। जनवरी 2018 में लाभार्थियों की संख्या बढ़कर तकरीबन 31 करोड़ हो गई। इनमें से हर 5 में से 3 लाभार्थी ग्रामीण इलाकों से आते हैं। इस दौर तक बैंक अकाउंट्स डिपॉजिट 73,690 करोड़ रही और प्रति बैंक डिपॉजिट का औसत 2,377 रुपए रहा। ये योजना 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 27 में ये योजना 100% लक्ष्य प्राप्त कर चुकी है। इसके प्रसार और प्रचार में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अग्रणी भूमिका रही। इनके लाभार्थियों की संख्या तकरीबन 24.5 करोड़ रही। वहीं निजी बैंक्स मात्र 9.7 करोड़ बैंक अकाउंट्स ही खोल पाए। जनधन अकाउंट्स खोलने पर धारक को तमाम सरकारी सुविधाएं, गैस से जुड़ी सब्सिडीज, मनरेगा का श्रमधन वगैरह मिलता है। जनधन योजना ये भी सुनिश्चित करती है कि डिजिटलीकरण के फायदे शहरों और धनाढ्यों तक ही सीमित न रहें, बल्कि ग्रामीण इलाकों और हाशिए पर पड़ी बिरादियों तक पहुंचें। सरकार की कोशिश हाशिए पर मौजूद जनसंख्या को बैंकिंग सेवाओं की परिधि में लाना है। आज प्रधानमंत्री जनधन योजना की कामयाबी ने जमीनी स्तर पर एक मजबूत वित्तीय ढांचा तैयार किया है, जिसकी चौखट पार कर कई और नई योजनाएं आम आदमी तक पहुंच रही हैं, जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। बैंकों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2018 तक इस योजना के तहत 33.66 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। इनमें से 28.16 करोड़ अकाउंट्स ऑपरेशनल हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते बचत खातों की श्रेणी में आते हैं और RBI के मौजूदा दिशा निर्देशों के मुताबिक ऐसे खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है और न्यूनतम शेष राशि के रखरखाव के लिए इन खातों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता। फिलहाल जनवरी 2019 तक जनधन योजना के तहत 34.3 करोड़ अकाउंट्स खोले जा चुके थे, जिनके खातों में 88,566.52 करोड़ रुपए जमा हैं। खाता धारकों में 53% महिलाएं हैं। 59% अकाउंट्स गांव या कस्बाई इलाकों में हैं। धन का लेन देन आसान करने के लिए 27.17 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड बांटे गए हैं, जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज के साथ आते हैं। लाभार्थियों को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है और इस पर उन्हें कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। इस योजना की कामयाबी और वित्तीय समावेश की तत्कालिक जरूरत को देखते हुए सरकार ने इसकी अवधि सितंबर 2018 से आगे बढ़ा दी है। अब योजना की तवज्जो हर घर एक अकाउंट से आगे जाकर हर उस नागरिक पर केंद्रित है जिसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। RBI की 2017-18 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने वालों की संख्या 2011 से 2017 के बीच दोगुनी हो गई है और आबादी का 80% इसकी जद में आ चुका है। यानी इस मुद्दे पर हम भारत की तुलना चीन के साथ कर सकते हैं और ब्रिक्स देशों से तो भारत कहीं आगे है। तो आज हमने इस एपिसोड में चुनिंदा पहलुओं, नीतियों और कानूनों पर बात की, कानूनों के साथ सुधार पर भी बात की। ये सारी पहलें अलहदा दशकों में हुई थीं, अलग अलग विचारधाराओं से उपजी थीं, पर लक्ष्य था एक, जन कल्याण। फिर भले ही इनका जिक्र इन पार्टीज की मैनिफेस्टो में रहा हो या ना रहा हो, बहरहाल हमने काफी सीमित समय में इन मुद्दों को समेटने की कोशिश की। तमाम ऐसे पहलू रहे जिन पर विस्तार से चर्चा करने का समय नहीं था, वो फिर कभी। अगर कुछ त्रुटियां रह गई हो तो हमें जरूर बताएं, हम उनका निराकरण करेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए विषय और कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।